नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी शरियटा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जो विज्ञान विषय है उसके प्रश्न तो हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे हमारा उसके बाद का चैप्टर रेसे एवं वस्त्र। इससे पहले महत्वपूर्ण खोज हमने देखी थी जो कि आपके कोर्स में सबसे स्टार्टिंग में ही दे रखा था। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आए बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है रेसे एवं वस्त्र, इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं जो वस्त्र होते हैं वो रेसों से ही, यानी कि रेसे से जो है धागा बन रहा है, और ये जो सीरियल चलता है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि वस्त्र की मूल इकाई जो है वो क्या होती है। वस्त्र जो है इसकी मूल इकाई क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? रेसा या तंतु जो है वो होती है, रेसा या तंतु। और तंतु अथवा जो रेसा है इसी को हम इंग्लिश में फाइबर जो है वो कहते हैं। तो ये जो तंतु होते हैं इन्हीं के द्वारा वस्त्रों का निर्माण जो है वो किया जाता है। ये जो तंतु होते हैं आकार में आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे इकाई के रूप में होते हैं, और वस्त्र को तैयार करने के लिए कई जो तंतु होते हैं इनको आपस में मिलाया जाता है और फिर उनको बुना जाता है, और कहीं जाकर आप कहेंगे फिर बाद में आपके जो वस्त्र होते हैं वो तैयार होते हैं। तो इसका कुछ सीरियल इस प्रकार से रहता है कि जो तंतु है इससे आपका सबसे पहले सूत बनता है, जिसे हम धागा भी जो है वो कहते हैं, और इस धागा से आपका वस्त्र बनता है, और इस वस्त्र से आप पहनने योग्य जो वस्त्र है जो आप पहनते हैं वो जो है वो तैयार करते हैं। तो ये आपका सीरियल जो है वो चलता है। अब अगर बात करें तंतु के बारे में, तो तंतु जो है इसका आकार कभी समान नहीं होता है। कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं, तो दोनों टाइप के होते हैं। साथ ही साथ कुछ तंतु मुलायम और सीधे रूप में भी होते हैं, कुछ ऐठनदार वाले बटे हुए भी होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर छोटे जो तंतु हैं उनकी लंबाई की बात करें तो कम से कम आप कहेंगे आधा इंच जो है इसकी लंबाई, और जो लंबे तंतु होते हैं इनकी जो लंबाई है वो 18 इंच से लेकर के आपकी 30 इंच के आसपास जो है वो होती है। और एक विशेषता के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा आपको वस्त्र बनाना है तो अधिक लंबाई का होना जो सूत है उसका आवश्यक होता है, उससे आसानी भी रहती है, तो वो एक विशेषता के तौर पर याद रख सकते हैं। अच्छा, लंबाई के आधार पर बात करें तंतुओं के प्रकार की, तो दो भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है दीर्घाकार और एक आपका होता है लघु आकार। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो लंबे हैं वो आपके दीर्घाकार तंतु में आ जाएंगे और जो लघु हैं वो छोटे आकार के। अब जो ये दीर्घाकार है इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो इसमें भी आपका एक रेशीय और बहुरेशीय में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो एक रेशीय तंतु होते हैं उनकी अगर बात करें तो केवल एक मजबूत और मुलायम तंतु से बने होते हैं। सीट को ढकना हो गया, फर्नीचर इत्यादि पर वस्त्रों को चढ़ाना हो गया, इन सब में यूज किया जाता है एक रेशीय तंतु का। और जो बहुरेशीय तंतु होता है वो आप कहेंगे उनको एक साथ बट कर रस्सी के रूप में एक लंबा सा जो है वो धागा तैयार किया जाता है, और इस प्रकार से बनाए गए धागे चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं। यूज की बात करें तो लुंगी अथवा रेशम से बनाई गई पोशाक के रूप में इसका यूज किया जाता है। लघु जो आकार तंतु उसके अंदर कोई भाग आप नहीं डिवाइड करते हैं, केवल नाम जो है वो याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनके प्रकार की, जहां से प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो जो रेशे होते हैं उनके प्रकार, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज को याद भी कर लीजिएगा। सबसे मुख्यतः अगर बात करें रेशों के प्रकार की तो दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक और एक आपका होता है कृत्रिम। ये मुख्यतः, क्योंकि इसमें प्रकार के अंतर्गत प्रकार है ना, तो कैसे डिवीजन है ये आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक जो रेशे होते हैं इसमें कौन से रेशे आते हैं? जो प्रकृति में किसी ना किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से भी हमें रेशे मिलते हैं, और पशुओं से मिलते हैं, या कीड़ों से मिलते हैं, या कुछ रेशे खनिज से भी मिलते हैं। तो ये सब आपके प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं वो आपके प्राकृतिक रेशे में आते हैं।
अब इनको भी अलग अलग मिलने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका बांटा गया है वानस्पतिक रेसे, वानस्पतिक रेसे। दूसरा आपका इसमें बांटा गया है जिसे हम कहते हैं जांतव रेसे, इंग्लिश में भी लिख दूंगा ताकि आप जो भी इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं उनको और आसानी रहे, जांतव रेसे। और तीसरा जो होता है इसी में ही टाइप्स, वो आपका होता है खनिज रेसे। स्टार्टिंग में मैंने बताया ये सब स्रोत होते हैं, तो उसी आधार पर पार्ट भी इनको दिया गया है। अब इसमें भी अंदर टाइप्स हैं, जो वानस्पतिक रेसे होते हैं इसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो इंग्लिश सभी जानते हैं, प्राकृतिक की ऊपर लिख देते हैं ना, वानस्पतिक को नहीं, इसको प्राकृतिक को आप जानते हैं क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। और मेन वानस्पति को क्या कहते हैं, वानस्पतिक मतलब जो वेजिटेबल से संबंधित हैं, तो वेजिटेबल फाइबर्स। अब वानस्पतिक रेसों में कौन कौन से आते हैं, तो आपका जैसे कि कपास आता है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कपास के अलावा कोए आते हैं, लिनन आता है, जूट भी इसी में आता है। कपास और जूट एकदम आपको रटा होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सन आता है, ऊपर लिख देते हैं कॉमा करके, सन आता है। और भी हैं जैसे कि कोपाक, कापोक आता है, कोपाक नहीं कापोक आता है, रेमी आता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको कपास और जूट हर हाल में रटा होना चाहिए। कपास की बात करें तो ये जो रेशा होता है वो कपास के पौधे से प्राप्त होता है, और कपास का पौधा आपका लगभग 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसमें सबसे पहले फूल निकलते हैं और जब ये झड़ जाते हैं तब कपास के कोए बढ़ना आपका देखेंगे धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते हैं। कपास जो है पौधा होता है उसके बीज के चारों ओर रेशे के रूप में लिपटी रहती है, और इसको बीज का बाल भी आप जो है वो कह सकते हैं। कपास का रेसा जो अन्य रेसे होते हैं उनसे छोटा होता है, लंबाई इसकी लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.3 सेंटीमीटर तक होती है। विशेषता आप जानते हैं कपास की क्या होती है, कि इस रेसे की कताई करना सरल होता है, बना हुआ जो धागा होता है वो चिकना भी होता है और साथ ही साथ मजबूत भी होता है। ये तो बताया, बात हमने कर ली किसके बारे में, कपास के बारे में। जूट की और बात कर लेते हैं, जूट भी आपका कपास के जैसे ही लगभग जंतु है, जिसका सबसे ज्यादा जंतु नहीं तंतु है, जिसका सबसे ज्यादा यूज वस्त्र निर्माण के लिए जूट का किया जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा वस्त्र निर्माण में। पौधे का नाम जूट का जो है वो भारतीय शब्द टाट से लिया गया है, किससे लिया गया है, टाट से, जिसका तात्पर्य होता है उलझा हुआ, क्योंकि इसमें जो रेसे होते हैं वो आपस में मिश्रित होते हैं, मिले हुए होते हैं। प्राचीन काल से देखेंगे तो भारत में हस्त उद्योग में जो है जूट का बहुत नाम दे सुनते भी आप, तो उसी क्षेत्र में किया भी जा रहा है इसका यूज। बात करें उत्पादन की तो पाकिस्तान और भारत में जूट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में कपास की मिलों की अपेक्षा जूट की मिलों की संख्या भी ज्यादा बताई जाती है। थोड़ा सा बात सन के, यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है इसकी भी कर लेते हैं, तो सन के जो रेसे होते हैं वो सन के पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के पश्चात उन्हें काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जूट के पौधों के समान निकल कर इनके तने से भी रेसे प्राप्त जो है वो किए जाते हैं। इसके जो रेसे होते हैं चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ये सारी चीजें। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में हैं, उतना अगर हम बात करेंगे तो जो चीज याद रखने वाली है वो भी आप भूल जाएंगे। बात करते हैं अब जांतव रेसे की, यानी कि एनिमल फाइबर्स जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो एनिमल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब एनिमल फाइबर्स में कौन कौन से आते हैं, तो मैंने क्या कहा आपको एग्जाम्पल जरूर रटे होने चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछने का यहाँ पर होगा कि कैसे पूछा जा सकता है तो वो जरूर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो है। ऊन हो गया आपका, या आप कह सकते हैं रेशम हो गया। ऊन और रेशम ये सभी आपके जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको हम इसमें रखते हैं। ये दो एग्जांपल आपके हो जाएंगे, बस दो ही हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा अगर ऊन की बात करें तो इंग्लिश में हम इसे वूल कहते हैं, कहते हैं ना ऊनी वस्त्र, वूलन कपड़े हम बोलते हैं, तो वूल कहते हैं। ऊन आप जानते हैं भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, ऊंट
खरगोश, बकरी, घोड़े, अन्य प्रकार के जो जानवर के बाल होते हैं उनसे प्राप्त रेशों से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि कौन सी जाति की भेड़ से सबसे उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त की जाती है, तो नाम उसका याद रख सकते हैं आप, मरीनो नाम है, मेरीनो, मेरीनो जो है वो आपका आपके दिमाग में रखना है। ये जो जाति है उसकी भेड़ से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम का कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम की बात करें तो रेशम को हम कहते हैं इंग्लिश में सिल्क, जैसे उसको वूलन वूल कहते थे। तो थोड़ा सा अगर बात करें रेशम के बारे में, तो रेशम का जो रेशा होता है वो सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध होता है। प्राचीन समय में भी आप देखेंगे तो महाराजा हैं, महारानियां हैं, सामंत हैं, उनके वस्त्र रेशम के होते थे, तो आकर्षण बहुत इसमें जो है वो होता है। प्राप्त किससे होता है? तो रेशम आपका एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त होता है, और जिन्हें हम रेशम के कीड़े ही कहते भी हैं, तो रेशम के कीड़ों से ही आपका रेशम प्राप्त होता है। और इन जो कीड़े होते हैं इनमें से एक द्रव पदार्थ निकलता है, जो कि वो कीड़े होते हैं ना उनके शरीर के चारों ओर घेरे के रूप में संग्रहित होता रहता है, और हवा लगने के कारण धीरे धीरे सूखता जाता है और फिर बाद में एक लंबे सूत्र का रूप जो है वो धारण कर लेता है। रेशम के उत्पादन की बात करें तो भारत, चाइना, जापान, फ्रांस, थाईलैंड, इन सभी जगह होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो चाइना में जो है वो हुआ था। और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत चौथे नंबर पर जो है वो आता है। ये कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम खनिज रेशों के बारे में, तो इन्हें हम मिनरल फाइबर्स कहते हैं। मिनरल मिनरल फाइबर की बात करें तो सोना, चांदी और अन्य धातु जो होते हैं उनके खींचे हुए तार ही आपके खनिज रेशों के रूप में यूज किए जाते हैं, तो वो सभी इसमें जो है वो आते हैं। और यूज इनका आग बुझाने वाली की जो पोशाक बनाई जाती है ना, आप देखते हैं जो भी फायर ब्रिगेड वाले होते हैं पर्सन, वो पहनते एक सूट टाइप का, तो वो इसके सभी यूज में है। इसमें आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सोना यानी कि गोल्ड ठोस रूप में खानों से प्राप्त होता है, धातु को गर्म करके इसमें महीन और अविरल धागा खींचकर तंतु जो है वो बनाया जाता है, तो वो आपका इसमें आएगा, सोना हो गया। और चांदी भी इसी प्रकार इसमें आ जाएगा, सिल्वर जिसे हम कहते हैं, तो ये भी आपका सोने के समान ही इसके तंतु भी पाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है सोने और चांदी में? तो चांदी के तार सोने की अपेक्षा शीघ्र ही मलिन हो जाते हैं, टर्निस हो जाते हैं। और आप जानते हैं सोना चांदी कितना महंगा है, तो यूज इसका बहुत ही सीमित मात्रा में जो है वो किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है जिसे हम कहते हैं एस्बेस्टॉस। ये आपका आधात्विक खनिज तंतु होता है, इटली, कनाडा, दक्षिण अमेरिका में ये अलग अलग जो चट्टाने होती हैं उनसे जो है वो प्राप्त होता है। साथ ही साथ एस्बेस्टॉस जैसे तंतु अज्वलनशील होते हैं, जंग प्रूफ होते हैं यानी इनमें जंग नहीं लगती है, एसिड प्रूफ भी होते हैं। इन्हीं सभी गुणों के कारण खनिज तंतु का जो यूज है, एस्बेस्टॉस का जो यूज है, वो अग्निशमन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पोशाक जो पहनते हैं ना मैंने बताया स्टार्टिंग में, और अज्वलनशील जो पर्दे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो ये आपका अच्छा यहाँ से यूज भी आप याद रख सकते हैं। ये सब हम अभी केवल और केवल प्राकृतिक रेशों की ही बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक के अंतर्गत आपका वानस्पतिक, जांतव और खनिज, ये तीन टाइप्स हमने अभी तक देखे। प्राकृतिक को ही हम नेचुरल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस कृत्रिम की, जिसे हम आर्टिफिशियल जो है वो फाइबर्स कहते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप्स हैं, तो इसी पेज पे तो पॉसिबल नहीं है, सभी चीजों को रब कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कृत्रिम रेशे। आपको ये दिमाग में रखना है कि प्राकृतिक के अंदर तीन टाइप हैं, मेन जो रेशों के प्रकार थे वो प्राकृतिक और कृत्रिम थे। तो प्राकृतिक हम देख चुके हैं, कृत्रिम अब हम देखेंगे। तो बात करते हैं कृत्रिम रेशे। और वीडियो अगर आपको चीजें समझ आ रही हो तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक धुआंधार जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जितने भी आपके कोर्स में टॉपिक हैं इसी प्रकार हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते रहे, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। कृत्रिम रेशों की बात करें तो ये जो रेशे होते हैं वो आपके किसी भी स्रोत से नहीं मिलते, क्योंकि जैसे हम प्राकृतिक में देख रहे थे किसी ना किसी माध्यम से, कोई कीड़े से, कोई जंतु से ऐसे प्राप्त हो रहे थे, पर ये स्रोत से नहीं प्राप्त होते हैं। इन्हें बनाने के लिए रासायनिक और यांत्रिक विधियां यूज की जाती हैं। कौन कौन सी ये विधियां?
या तो आप कहेंगे रासायनिक, इंग्लिश में हम कहते हैं जिसे केमिकल, और दूसरी मैंने बताई यांत्रिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल। तो ये सब विधियां जो है वो यूज की जाती हैं। ये जो तंतु होते हैं वो प्राकृतिक तंतु की अपेक्षा आप कहेंगे अधिक मजबूत होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो है वो प्रकृति से जैसे के तैसे प्राप्त हो रहे हैं वैसे हम यूज कर रहे हैं, पर कृत्रिम में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना, तो इसीलिए अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं। साथ ही साथ इनकी प्राप्ति स्रोत भी प्राकृतिक तंतुओं की भांति सीमित मात्रा में जो है वो नहीं होती है, क्योंकि हम बना सकते हैं तो जितना चाहे बना सकते हैं। अब अगर इसमें भी टाइप्स की बात करें तो दो मुख्यतः टाइप्स होते हैं। पहला आपका जो टाइप्स होता है वो होता है मानव द्वारा निर्मित, और जो दूसरा इसमें टाइप्स होता है वो होता है रासायनिक विधि जो है उसके द्वारा निर्मित। अब जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसे हम मैन मेड भी कह सकते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसके निर्माण के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज करके क्या करते हैं, घोल में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद जो घोल तैयार होता है उसको बारीक छिद्रों वाले स्पेनरेट से होकर गुजारा जाता है। अब जब आप बारीक छिद्र से गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है पतला पतला धागा आपको प्राप्त होगा, तो वही आपका बारीक चमकदार धागा जो प्राप्त होता है उसी को हम सुखा लेते हैं इसी कृत्रिम विधि द्वारा, और इसे हम जो नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं रेयॉन का। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, रेयॉन किसका किसमें आता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे मानव द्वारा निर्मित जो तंतु है उसमें आता है, तो मानवकृत तंतु है ना उनको एक सम्मिलित और सामूहिक नाम दे दिया गया है रेयॉन, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अब रेयॉन के अंतर्गत भी प्रकार होते हैं, एक आपको आपका नाइट्रोसेलुलोज होता है, एक आपका विस्कोस होता है, एक आपका कुप्रामोनियम जो है वो होता है। तो तीन जो टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा आपको मैं रेयॉन के बारे में दिखाता भी हूँ, जो आपकी PDF है NCERT की उसमें। तो स्टार्टिंग में आप जानते हैं जो रेशम जो था वो कीट से प्राप्त होता था, और रेशम रेशे से जो प्राप्त कपड़ा होता था बहुत महंगा होता था, परंतु इसकी जो बनावट होती थी इतनी सुंदर होती थी। धीरे धीरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, रेशम समान गुड़ वाले जो रेशे हैं वो प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, और इस प्रकार का जो रेशा था वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता था। तो यही जो रेशा था इसी को हम रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा जो है वो कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो आप ये समझ गए रेयॉन आपका आया कैसे है। जो रेयॉन है वो प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, और ये एक मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से आपका सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है, इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा भी जा सकता है, और रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा भी बनाते हैं। तो ये नीचे आप फोटो भी देख पा रहे हैं रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र। तो यहाँ पर आपने देखा इसका यूज भी क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आपको। साथ ही साथ वापस हम उसी पेज पर जहां पर रेयॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम बात कर लेते हैं अब रासायनिक जो है इसकी। तो रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित जो है उसके अंतर्गत बात करते हैं। तो रासायनिक जो रेशे होते हैं उनका निर्माण विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उनको लेकर रासायनिक विधियों से जो है वो होता है। पहले इनसे नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं, बाद में इसके फ्लेक बनाकर पिघलाकर जो महीन छिद्रयुक्त नली होती है उनमें से निकाला जाता है, और सूख जाने पर सुंदर वस्त्रों उपयोगी रेशे तैयार जो है वो किए जाते हैं, और टेम्परेचर जितना भी जरूरत का होता है वो देकर हम इसका आकार और आकृति भी निश्चित कर सकते हैं। इनके उदाहरण आपको रटे होने चाहिए, जो मैंने पहले कहा कि पूछा जो आपसे प्रश्न जाएगा वो एग्जाम्पल से ही जो है वो पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपका नायलॉन हो गया वो आपका इसी में आता है, टेक्रॉन हो गया वो आपका इसी में आता है, इसी प्रकार आपका टेरीलीन वो इसी में आता है, और ऑर्लोन करके है वो भी इसी में जो है वो आता है, जिसमें आपको जो सबसे पहला है नायलॉन वो एकदम पता होना चाहिए इसके बारे में। तो नायलॉन के बारे में हम उसी PDF से पढ़ लेते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो नायलॉन की बात करें तो नायलॉन आपका एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से जो है वो किया गया।
ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ये चमकीला और धुलने में भी आसानी से धुल जाता था। ये कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बना सकते हैं? तो हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। तो आपसे प्रश्न इसी टाइप से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो रेशा है वो कोई एग्जांपल दिया होगा उसमें जो है वो यूज किया जाता है। तो आपको एग्जांपल इसीलिए रटे होने चाहिए और किसमें आता है ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित में कौन सा आता है या कृत्रिम में कौन सा आता है, इस टाइप से। साथ ही साथ नायलॉन का उपयोग जो है वो पैरासूट के निर्माण में भी जो है देखिए लिखा हुआ है, पैरासूट जो है और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी है उसके निर्माण में भी किया जाता है। तो यानी कि मजबूती इसमें बहुत होती है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, नीचे चित्र भी देखिए दिखाया गया है। ये देखिए एक पैरासूट से उड़ रहा है और ये जो है वो इस टाइप से पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, तो हम रस्सी की सहायता से, तो नायलॉन रेसे का यूज जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, काफी मजबूत होता है, इस्पात के एक तार से भी अधिक प्रबल जो है वो होता है। ये ऊपर वाला जो चित्र दिखाया था वो रेयॉन का था, यानी कि उसमें यूज होता था कालीन वगैरह में, और ये जो है आपका नायलॉन। बाकी अगर बात करें जो नायलॉन है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार 1938 में हुआ था, 1938 में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपोंट कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? ड्यूपोंट, DUPONT, ये जो है वो कंपनी थी। इसके डॉक्टर कैराथर्स थे जिन्होंने इस खोज जो है वो, या कह सकते हैं इसका आविष्कार जो है वो किया था। क्या नाम था उनका? कैराथर्स। ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके में लेवल काफी हाई रखा गया है कि स्नातक स्तर तक का पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें पता होना चाहिए। वरना अगर बात करें जिस लेवल पर पेपर बनाया जाएगा तो उसमें आपको केवल एग्जाम्पल वगैरह ही पूछे जाते हैं, तो उतना ही आपके लिए काफी होगा। अब जैसे और एग्जाम्पल है आपका डेक्रॉन है, तो डेक्रॉन जो है ये आपका पॉलिस्टर जो है उससे तैयार किया जाता है। इसमें जो रेशे होते हैं सीधे, चिकने, गोल और चमकदार होते हैं। बाकी इसमें और भी एग्जाम्पल होते हैं रासायनिक में, जैसे कि आपका जेफ्रॉन इसमें आता है, डरवन आता है, सारन आता है। इसकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं सिंगल सिंगल की, तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिक चीजें याद रखिएगा। अब ये जो हमने टाइप्स पढ़े इसके अलावा भी कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो बांटे गए हैं, जिसमें आपका एक होता है मिश्रित रेशे, इन सभी चीजों को रख कर देते हैं। एक आपका होता है मिश्रित रेशे जिसे हम मिक्स्ड फाइबर्स कहते हैं, एक आपका होता है परिवर्तित रेशे और एक आपका होता है विशिष्ट बाल रेशे। तो जो परिवर्तित, पहले स्टार्टिंग से चलिए बात कर लेते हैं। मिश्रित रेशे क्या होते हैं? अलग अलग रेशों को मिलाकर एक नया किस्म का कोई रेशा बनाया गया, तो वो आपका ये कहलाता है मिश्रित रेशे। ये रेशे कैसे होते हैं? मजबूत, टिकाऊ, मुलायम, आरामदायक। अब इन प्रकार के जो रेशे होते हैं इनके गुण भी अनेक इनके जो रेशे होते हैं यानी जिससे इन्हें बनाया गया उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, जैसे महंगे रेशा कोई है उसमें कोई सस्ता रेशा आपने मिला दिया और कोई एक वस्त्र साधारण से तैयार कर दिया, अब इससे जो वस्त्र बनेगा उसकी जो मूल्य होगा वो काफी कम होगा और उसमें क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी, बात को समझिए। तो इस टाइप से मिश्रित रेशे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, टेरिकॉट का कपड़ा आपने अवश्य सुना होगा, तो टेरिकॉट इसी के एग्जाम्पल में जो है वो आता है। टेरिकॉट हो गया, टेरी वूल हो गया, कॉट्स वूल हो गया, ये सभी, पर टेरिकॉट एक याद रखिएगा। परिवर्तित रेशे क्या होते हैं? वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में जैसे जैसे नए नए रेशे आ रहे थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो रेशे थे उसी में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका रूप, रंग, गुण आदि में परिवर्तन किया गया। तो वही जो भी परिवर्तन किया गया वो आपका परावर्तित रेशे में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल एक याद रख सकते हैं, तो कपास के जो रेशे थे उन पर रासायनिक जो प्रक्रिया हुई उसके द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया गया, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। विशिष्ट बाल रेशे हम कहते हैं स्पेशल हेयर फाइबर्स को, तो कुछ विशेष प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके बालों से, जैसे लामा हो गया, अल्पाका हो गया, कश्मीरी बकरी हो गई,
ऊंट हो गया, खरगोश हो गया, उनसे गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो बाल से संबंधित जो है वो आपके विशिष्ट बाल रेशे में आ जाएंगे। इसी के आधार पर जैसे ये अलग अलग हमने बांटे, ऐसे ही ऋतुओं के अकॉर्डिंग अगर बांटे तो आपके सूती वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्र होते हैं, सिंथेटिक कृत्रिम वस्त्र होते हैं, तो ये भी आप डिविजन कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। वापस से हम चलते हैं, जो हम अभी देख रहे थे नायलॉन वगैरह, उसी के अंतर्गत कुछ चीजें और हैं उसके बारे में। तो हम जो देख रहे थे रेयॉन और नायलॉन, हमने देखा था ये सब किसके प्रकार थे, ये सब संश्लेषित रेशों के प्रकार थे। अब जिसको ये नहीं पता संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, तो संश्लेषित रेशों को ही हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कृत्रिम जो तंतु होता है वो मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित अलग अलग इस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो संश्लेषित देखकर वर्ड जो है कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में संश्लेषित करके ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संश्लेषित रेशा उन रेशों को कहा जाता है जिनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने दो टाइप देखे, कौन कौन सा, एक रेयॉन देखा और एक नायलॉन देखा। अब इसके बाद हमारा जो है उसको भी देखते हैं, और वो तीसरा कौन सा है, वो है हमारा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ये भी ध्यान दीजिए, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक को। तो पॉलिएस्टर क्या होता है, ये एक अन्य संश्लेषित रेशा है, यानी कि कृत्रिम रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े जो होते हैं उनमें आसानी से सिलवटे जो है वो नहीं पड़ती है, ये सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल भी जाता है। अतः ये वस्त्र सामग्री है तो उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजे और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट होता क्या है। तो पेट जो है वो आपका पॉलीएथिलीन टर्थेलेट होता है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। पॉलिएस्टर हम ऊपर देख के आए हैं, ये देखिए इसी के ही बारे में एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे कि एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद जो है उनके निर्माण में जो है वो किया जाता है। चारों ओर अगर आप दृष्टि घुमाएंगे तो पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुएं बहुत सी आपको देखने को मिल जाएंगी। और पॉलिएस्टर जो कपड़े होते हैं उनकी एक कमी भी होती है, खराबी भी होती है, कि जैसे किसी व्यक्ति ने पहना है और उसे आग लग गई तो ये जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, उसके शरीर से, व्यक्ति की जो भी पहना है उसके शरीर से चिपक जाते हैं। इसीलिए ये वस्त्र ना पहनने की सलाह रसोई घर में जो है वो दी जाती है। अब बात करते हैं एक्रिलिक की। तो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और सॉल अथवा कंबलों का यूज करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, यानी देखने में तो ऊन जैसे लगते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, इसी को हम एक्रिलिक कहते हैं। यानी कि देखने में ऊन जैसे लगते हैं स्वेटर वगैरह, पर एक्चुअल में वो ऊन नहीं होता है, तो वो आपका होता क्या, वो आपका एक्रिलिक होता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक स्रोत से ऊन जो प्राप्त होती है जैसे कि भेड़ की बात करें तो वो बहुत महंगी होती है, पर एक्रिलिक आपकी बहुत इससे बनी जो वस्तुएं होती है सस्ती होती है, इसीलिए ये यूज की जाती है। इसी चैप्टर में आगे प्लास्टिक के बारे में भी दे रखा है। प्लास्टिक के बारे में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो जो टाइप्स होते हैं, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है आसानी से, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी जो है इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, पॉलीथीन और पीवीसी, जो कि आप देखते हैं, आप पॉलीथीन देखते हैं ना, उसको गर्म करते तुरंत मुड़ जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। इसका उपयोग और खिलौने हैं, कंघियां हैं, विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, उनके बड़े पैमाने पर निर्माण है, उन सब में किया जाता है। और दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होती है जिन्हें एक बार सांचे में अगर ढाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करके नरम जो है वो नहीं किया जा सकता, इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम में यह सेट कर दिया आपने तो एकदम हिले ना, एकदम चट्टान की तरह, तो आप कहेंगे इसके एग्जाम्पल बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, बिजली के स्विच हो गए, विभिन्न बर्तन जो है उनके हत्थे हो गए, इन सब में यूज किया जाता है बैकेलाइट का। और मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, ये आग का प्रतिरोधक होता है, अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की जो क्षमता होती है वो इसमें ज्यादा होती है। यूज कहाँ किया जाता है, तो फर्श की टाइलें हो गए, रसोई के बर्तन हो गए, बर्तन और कपड़े बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है, आग का ये जो है वो प्रतिरोध करते हैं।
बाकी नीचे चित्र वगैरह भी दे रखा है कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उससे निर्मित वस्तुएं जैसे स्विच हो गया और इस टाइप से सारी चीजें हैं, और थर्मो जो प्लास्टिक है उसके जैसे डिब्बे वगैरह हो गए, पॉलिथीन है, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सारी चीजें हमारी समाप्त हुई इस चैप्टर में जो भी कुछ था। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में अवश्य आई होंगी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहा है, इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, जो भी सारी चीजें पढ़ी हमने उस पर बेस्ड हम प्रश्न भी आपको करा देंगे, पर आज ही नहीं करा रहे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, अलग से हम करा देंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं थोड़े कराएंगे, पर आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ये है हमारा इस वीडियो का प्रश्न, इनमें से आपको संश्लेषित रेशा जो है वो छांटना है। संश्लेषित क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ए ऑप्शन होगा कपास, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है जूट, डी ऑप्शन है ऊन। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा आपका सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। और जितनी भी चीजें बताई गई हैं कोशिश ये कीजिएगा कि इसको याद अवश्य कर लीजिएगा, सुनेंगे कथा की तरह, अभी याद रहेगा 4 दिन बाद भूल जाएंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा केवल देखना ही नहीं याद करना भी जरूरी है। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की है, और वीडियो को शेयर भी अवश्य सभी के साथ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।